हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको चॉकलेट खाना पसंद है तो आज की डिश आपको बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चॉकलेट श्रीखंड की रेसिपी, जो कि बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और शेयर कर दीजिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चॉकलेट श्रीखंड बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क। तो मैंने यहाँ पर 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है और उसे बॉईल कर लिया है, और अब हमें दूध को इतना ठंडा करना है कि वो गुनगुना रह जाए। जब आप उसे इस तरीके से हाथ पर ले तो वो आपको गुनगुना महसूस हो, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म महसूस ना हो। अगर आप तेज़ गर्म दूध में दही जमाएंगे तो दही बिल्कुल भी अच्छा नहीं जमेगा और वो पानी छोड़ देगा, तो आपको इतना ही दूध गर्म लेना है। तो ये मैंने ले लिया है और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 चम्मच दही। दही आपको फ्रेश ही लेना है, अगर आप खट्टा दही लेंगे तो जो दही हमारा जमकर तैयार होगा वो भी खट्टा होगा, तो आप यहाँ पर फ्रेश दही का ही यूज़ कीजिए। इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे ताकि ये दूध में अच्छे से घुल जाए। ठंडों में दही जमने में थोड़ा वक्त लगता है, अगर आप गर्मी में बना रहे हैं तो वो कम समय में ही दही बनकर तैयार हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर दही जमने के लिए छोड़ देती हूँ ढककर। तो देखिए दही जमकर जो है तैयार हो चुका है, लगभग 4 से 5 घंटे में ये जम चुका था, और ये देखिए कितना बढ़िया जमा है। इसके मैं पीस कट करके दिखाती हूँ आपको, देखिए इतने अच्छे तरीके से ये दही जमा है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आप जो दूध ले रहे हैं वो बहुत तेज़ गर्म ना हो। और अब मैंने एक पॉट लिया है और उस पर डाल रही हूँ ये कॉटन का कपड़ा, आपको कॉटन का कपड़ा ही लेना है। इससे जो है हम दही छानेंगे तो पानी बहुत अच्छे से इसमें से अलग हो जाएगा। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी दही जो हमने जमाया था, उसे हम डाल देंगे ताकि इसका जो भी पानी है वो कपड़े से छन कर बाहर आ जाएगा और गाढ़ा गाढ़ा दही हमें यहाँ पर मिल जाएगा। इसकी जगह आप मलमल के कपड़े का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन कॉटन के कपड़ा बहुत बढ़िया होता है और आप इसे वाइट कलर का ही लीजिए। अगर आप कलर रहेंगे तो उसका कलर निकलने का डर रहता है। तो इस तरीके से हम इसे चारों तरफ से उठाकर अच्छे से इसका पानी हम रिड्यूस कर देंगे और इसे हम निथार लेंगे बहुत अच्छे से, जो भी पानी है वो इसमें अलग हो जाएगा। ये देखिए पानी इसमें अलग हो रहा है। हल्के हाथों से हम दबाकर पानी को निकालेंगे और एक रबर बैंड से हम इसे टाइट बांध देंगे। आप चाहें तो इसे गांठ भी लगा सकते हैं, लेकिन रबर बैंड से ये बहुत अच्छे से टाइटली पैक हो जाता है, इसलिए मैंने रबर बैंड बांध दिया है इस पे। और अच्छे से हम इसे पानी निथार लेंगे, जितना पानी आप हाथ से दबाकर निकाल सकते हैं आप इस तरीके से उसे निकाल लीजिए। इसके बाद में आप इसे कहीं हैंग कर दीजिए, बांध दीजिए किसी पे, जैसे कि टैप वगैरह होता है उस पे। उससे क्या होगा कि इसका पानी धीरे धीरे टपकते, एक एक दो दो बूंद टपकते हुए पूरा निकल जाएगा और हमें एक यहाँ पर बढ़िया सा योगर्ट मिल जाएगा। तो ये देखिए ये हो चुका है और लगभग 2 घंटे में इसका पूरा पानी अच्छे से निकल गया था, मैंने इसे टैप के ऊपर बांध दिया था। ये देखिए बहुत बढ़िया सा ये जमकर तैयार हो चुका है। तो इसे अब हम ओपन कर लेते हैं और एक बर्तन में हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए इतना बढ़िया निकला है ये। तो लीजिए चॉकलेट श्रीखंड के लिए हमारा जो दही का चक्का है वो बनकर रेडी हो चुका है और इसे हम अब हल्के हाथों से ही फेंटेंगे। आपको इसे किसी भी कपड़े से छानने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई लोग कहते हैं कि इसे छानना चाहिए, लेकिन इसकी आपको बिल्कुल भी ज़रूरत महसूस नहीं होगी, बिल्कुल स्मूथ सा हमारा श्रीखंड बनकर तैयार होगा। तो इसे आपको क्या करना है ना कि बिल्कुल एकदम हल्के हाथों से इसे फेंटना है। इसको फेंटने के लिए आपको किसी भी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जैसे विस्कर वगैरह कुछ भी नहीं। आप एक चम्मच की हेल्प से ही इसे हल्के हल्के हाथों से फेंटिए, ये बहुत ही स्मूथ और चिकना बनकर तैयार होगा। घर पे ही आप बिल्कुल किसी भी फ्लेवर का श्रीखंड बनाकर तैयार कर सकते हैं और ये बड़ी आसानी से बनकर तैयार हो जाता है और इसमें बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता है। हाँ, इसकी प्रोसेस ज़रूर लंबी होती है, लेकिन इसको बनाने का जो टाइम है वो बहुत कम होता है। तो बस इसे अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है, देखिए कितना स्मूथ होता जा रहा है, धीरे धीरे ये ऐसे स्मूथ हो जाएगा। और ये देखिए बिल्कुल ये चिकना और स्मूथ हो चुका है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। तो यहाँ पर मैं
शक्कर के बूरे का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने 1/3 कप शक्कर का बूरा लिया है। अगर ग्राम से मैं देखें तो 125 ग्राम यहाँ पर मैंने शक्कर का बूरा लिया है। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं या फिर आपका जो दही का चक्का बनकर तैयार हुआ है वो खट्टा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग शक्कर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे मैं मिक्स कर दूंगी। आप शक्कर के बूरे की जगह पे पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन शक्कर का बूरा डालने से क्या होता है कि पानी रिलीज नहीं करता है और जो श्रीखंड हम बना रहे हैं वो बिल्कुल भी पतला नहीं होगा। तो इस तरीके से आप शक्कर का बूरा ले सकते हैं। अगर नहीं है तो आप चीनी का उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन चीनी आप पीस कर ही इसमें डालें। अगर आप शक्कर के बूरे के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि इसे पताशी चूरा भी कहा जाता है और ये बड़ी आसानी से आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। ये देखिए, शक्कर का बूरा डालने के बाद में भी ये कितना स्मूथ और चिकना हो चुका है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे इसमें कोई लम्स या गांठें नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि शुगर डालने के बाद में इसे अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए, हमने अच्छे से इसे मिक्स कर दिया है और अब हम यहाँ पर बना रहे हैं चॉकलेट फ्लेवर का। तो हम इसमें चॉकलेट ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ली है ड्रिंकिंग चॉकलेट। आप किसी भी ब्रांड की ड्रिंकिंग चॉकलेट ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ इसके 4 चम्मच भर के ड्रिंकिंग चॉकलेट के। आप यहाँ पे चॉकलेट सिरप या फिर चॉकलेट सॉस का यूज़ भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो जो डार्क कंपाउंड आता है उसे मेल्ट करके आप ठंडा कर लीजिए, उसे भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप इसमें जो है कोको पाउडर और चॉकलेट पाउडर की 2-2 चम्मच इसमें आप ऐड कर दीजिए, तो उससे भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। और अगर आप चाहें तो डेयरी मिल्क लाकर भी आप जो है उसे मेल्ट कर लीजिए और ठंडा कर लीजिए, और उसमें भी आप इसे ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया लगता है। कहने का मतलब ये है कि हमें इसे सिर्फ चॉकलेट वाला फ्लेवर इसमें देना है। यहाँ पर मैं 1 चम्मच और ऐड कर रही हूँ चॉकलेट सिरप। इसे बहुत बढ़िया कलर हो जाएगा। तो टोटल मैंने यहाँ पे 5 चम्मच डाला है। आप जितना फ्लेवर इसमें चॉकलेट का देना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए, हमने अच्छे से इसे मिक्स कर दिया है और ये बहुत ही स्मूथ सा हमें तैयार होकर मिला है। अगर आप चाहें तो इसमें चॉकलेट चिप्स भी डाल सकते हैं। जो आती हैं चॉकलेट चिप्स वगैरह, वो बहुत टेस्टी लगती हैं। अगर आप उसे पसंद करते हैं और आपके पास है तो मैं कहूँगी ज़रूर डालिए, बहुत मज़ा आएगा खाकर। बच्चों को तो ना ये बहुत पसंद आता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये आइसक्रीम खा रहे हैं चॉकलेट वाली, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो बस ये हमारा चॉकलेट श्रीखंड बनकर तैयार है। इसे रखिए 2 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए, और ठंडा ठंडा आप इसे सर्व कीजिए। अगर आपको चॉकलेट श्रीखंड की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए।